मल्टी जोन फ्लेक्सी पे सेट करती है, इस पे टेस्ट करते हैं हम इसका फोकस कैसा है। मल्टी जोन पे चेक करते हैं, मल्टी जोन पे इसकी रैंकिंग कैसी है। सबसे पहले हमारे मॉडल वो सामने है, वो वहाँ से भाग के आएंगे और देखते हैं कि ये कितनी अच्छी ट्रैकिंग कर पाता है। चलें जी आए भाग के। देखेंगे आपकी अच्छी ट्रैकिंग कर रहे, अब तक तो फोकस ने नहीं छोड़ा। अब हम चेक करेंगे, मेरे मॉडल वो सामने खड़े हैं, दरख्तों के पीछे खड़े हैं, वो कभी एक दांत के पीछे हो जाएंगे, कभी दूसरे दांत के पीछे हो जाएंगे और चेक कर देंगे फोकस कैसा हमारा ट्रैक हो रहा है। ये ट्रैकिंग हमारी स्टार्ट होगी। हाँ जी चल के। देखें जो ट्रैकिंग है काफी बेहतरीन हो रही है। ये दोबारा तो फोकस कर लिया कैमरे ने, दोबारा पीछे जाएं, लिटिल बिट फोकस मिस हुआ। तो अगर बात करूँ मल्टी पॉइंट की, काफी अच्छा फोकस करता है। अगर आप कोई भी रनिंग शॉट ले रहे हैं, किसी भी तरह के शॉट ले रहे हैं, उस पर बिल्कुल फोकस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक सिक्योर टाइप का फोकस होता है। जब आप इसको किसी डिफिकल्ट सिनेरियो में लेके जाएंगे, जैसे मैं अभी इसको रखता हूँ पीछे, मैंने फोकस करने की कोशिश की, लिटिल बिट कहीं ना कहीं फोकस लैग हुआ, तो वो कोई कैमरा भी होगा वो लिटिल बिट फोकस लैग करेगा, क्योंकि ये एक बॉक्स के ऊपर फोकस पूरा होता है। अगर ये इसको हम फेस ट्रैकिंग पे रखते यहाँ पे, तो फेस ट्रैकिंग में ये फोकस यहाँ पे बेहतरीन होता, लेकिन मल्टी पे क्योंकि ये एक बॉक्स बना होता है, तो बॉक्स जिस जगह सेंटर होता है उस जगह ज्यादा मोस्टली फोकस करता है, तो इसलिए लिटिल बिट जो फोकस मिस हुआ है। आप देखें मल्टी से मैं आ रहा हूँ सिंगल फ्लेक्सी जोन सिंगल पे आ गया हूँ, अब इस पे हम फोकस ट्रैकिंग चेक करते हैं। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि ये फोकस कितना क्विकली कर रहा है। मेरे मॉडल देख सकते हैं वो गाड़ी के पीछे है, तो मैं क्या करूँगा, जो अपना फोकस है पहले इस तरह करूँगा, फिर एकदम मुंह पे लगाऊंगा, क्योंकि मुंह बिल्कुल थोड़ा सा नज़र आ रहा है। अगर आप कैमरे में देख सकते हैं, देखें मुंह बिल्कुल थोड़ा सा नज़र आ रहा है, देखते हैं ये छोटे से पॉइंट को भी कितना एग्जैक्टली फोकस कर पा रहा है या नहीं। पहले स्टार्ट करते हैं, ये मैंने वीडियो की स्टार्ट, देखें और ये लेके आया मुँह के ऊपर फोकस हो गया। फिर मैं नीचे करता हूँ गाड़ी पे फोकस, फिर मुंह पे लाया, देखें मुंह पे फोकस, इस तरफ करता हूँ फिर मुंह पे लाता हूँ, तो सिंगल पे बहुत ज़्यादा बेहतरीन फोकस हो रहा है। अब सेकंड सिनेरियो ये करते हैं कि हमारे मॉडल पहले फ्रेम से इन होंगे, फिर फ्रेम से आउट हो जाएंगे, फिर कभी नीचे बैठेंगे कभी ऊपर बैठेंगे, देखते हैं कि फोकस कितना क्विकली हो रहा है। और आपको याद रहे मैं 75-300 लेंस यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लेंस नहीं, लेकिन अगर इसके साथ भी कैमरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मीन्स ये अच्छे लेंस के साथ बहुत ज़्यादा आउट क्लास परफॉर्मेंस आपको देगा। देखें जो भी मॉडल है फोकस हुआ, फ्रेम से बाहर गए डी फोकस, फिर आते हैं देखें एकदम से फोकस उसने पकड़ा, देखें बहुत बेहतरीन कर रहा है, फिर फोकस पकड़ लिया, डी फोकस फोकस डी फोकस फोकस, चलें पीछे भागें पीछे की तरफ भागें, देखें बेहतरीन फोकस कर रहा है। फेस के आगे अपना हाथ लेके आएंगे, फेस हाथ भी छोड़ेंगे, जल्दी फोकस होता है, फिर वो हाथ को लेके आएंगे और फिर नीचे करेंगे, फिर हम फेस ट्रैकिंग चेक करेंगे कितनी जल्दी फेस ट्रैकिंग हो रही है। चलें जी ओके, हाथ नीचे उठाएं, ये देखें फेस पे फोकस आ गया, हाथ ऊपर लाएं दोबारा से मुंह के आगे, ये फिर नीचे छोड़ें, देखें फोकस बहुत ज़्यादा क्विकली हो रहा है। थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं, मेरे मॉडल वो सामने, ठीक है देखते हैं वो वहाँ से चल के बाहर आएंगे, पहले उनका फेस हाइड होगा, चूंकि उनका फेस निकला तो देखते हैं कैमरा कितनी जल्दी फास्ट फेस को फोकस करता है और उसके बाद फोकस छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। ओके चल गया है, देखें फेस हम नजर ऐसे ट्रैक कर लिया और फेस को कंटिन्यूसली ये ट्रैक कर रहा है। तो अगर बात करूँ मैं फेस ट्रैकिंग की, फेस ट्रैकिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और कहीं पे इसका जो फेस है वो मिस नहीं होता, वरना मैंने 60 Mark II का भी रिव्यू किया था, उसकी फेस ट्रैकिंग थोड़ी सी स्लो थी, जबकि इसकी फेस ट्रैकिंग फास्ट है, और 60 Mark II कभी कभी फेस को डी फोकस भी कर देता था, कभी कभी वो बैकग्राउंड पे फोकस कर लेता था, तो अभी तक इस कैमरे में मुझे ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला। सो आपने देख लिया इस कैमरे की फोकसिंग, अगर मैं इसको रेड करूँ 10x9.5 रेड करूँगा फोकस के मामले में, बाकी कलर्स तो आपने देख ही लिए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस का टेस्ट कर लूँ तो वो भी मैं कर दूँगा, क्योंकि कैमरे में मेन चीज़ होती है फोकस। आप जब भी वीडियो बन जाते हैं आपको ऑटो फोकस की रिक्वायरमेंट होती है, ऑटो फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैमरा बहुत अच्छा है, कलर्स भी इसके अच्छे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे कोई सिनेमेटिक वीडियो बनाऊँ, मैं वो भी बना दूँगा।